आपको करना क्या है, जो इसका पावर है, पावर में कितना है, तीन है और यहाँ एक है, तो भैया एक बढ़ा के तीन है तो चार लिखिए और एक है तो दो लिखिए और इनको इनका आपस में गुना लगा दीजिए, चार दूना आठ मतलब 24 का टोटल आठ फैक्टर है, क्योंकि यहाँ भी आपको बताएं आठ फैक्टर है, समझ में आया। पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, उसके बाद पावर को ध्यान में रखिए, जितना पावर है ना उसमें एक जोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीन है एक जोड़ दिए चार, एक है एक जोड़ दिए दो, चार गुना दो बराबर आठ, टोटल आठ फैक्टर है। फॉर्मूला भी अभी आपको लिखवाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमसे पूछ दिया कि भाई 36 का कितना फैक्टर है, 36 का कितना 72 का कितना फैक्टर है, तो जब टोटल फैक्टर पूछे ना या प्राइम फैक्टर पूछे ना, तो ऐसा दो टुकड़ा लेना जिसको तोड़ना आसान है। तो सर एक गुना 72 भी है, दो गुना 36 भी है, तीन गुना 24 भी है, चार गुना 18 भी है, छः गुना 12 भी है, नौ और आठ गुना 9 भी है। आप किसी भी टुकड़ा को लोगे आंसर वही आएगा, लेकिन एग्जाम में जल्दी आंसर देना है और सही आंसर देना है, तो हम छाँटेंगे आठ गुना 9। क्यों छाँटेंगे, क्योंकि 8 मतलब 2 का पावर 3 और 9 मतलब 3 का पावर 2, और 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, और हमें करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब 72 को हम प्राइम फैक्टर में क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिविजर्स, दोनों एक ही बात है, कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या, दोनों एक ही बात है। तो हम करते क्या है, अब यहाँ पे पावर के साथ खेलते हैं, अब ये प्राइम फैक्टर में टूट गया, अब इससे कोई मतलब नहीं, पावर देखिए 2 का पावर 3 है ना, 3 में एक जोड़ दीजिए, 3 प्लस 1, ठीक है, गुना का चिन्ह लगाइए, और 3 का पावर 2 है तो 2 में एक जोड़ दीजिए, 2 प्लस 1, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 1 4 गुना 2 और 1 3, 4 तिहाई 12 फैक्टर है टोटल, जो कि यहाँ भी आया है, बात समझ में आया, ठीक है। एक क्यों जोड़ते हैं, ये भी आपका सवाल हो सकता है, क्योंकि एक जो है ना भाई, हर एक नंबर का फैक्टर होता है, 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो आप समझ गए, तो भाई इसको हम एक प्रॉपर फॉर्मूला में ढाल देते हैं ताकि आपको याद रहे, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, एकदम रट लीजिए कि जब टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या पूछे, तो नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, उसके बाद पावर में एक बढ़ा लीजिए और सबका आपस में गुना लगा लीजिए, और जो प्रोडक्ट आएगा उतना ही फैक्टर होगा। जैसे कि 24 का 8 फैक्टर है, हम आपको पहले ऐसे तोड़ के बता दिए, अभी हम आपको तरीका से बता दिए कि एग्जाम में आपको ऐसे डील करना है। तो हम 24 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 मतलब 8 तिहाई 24। अब देखिए ये जब बड़ा बड़ा नंबर आएगा ना, तो आप इस तरीका से नहीं कर सकते, क्योंकि उतना टेबल कौन याद रखेगा, लेकिन कुछ ना कुछ क्लू तरीका उसका भी निकालेंगे और बताएंगे, धैर्य रखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी बात को हम बढ़िया आप लोग सजा के लिख लीजिएगा, ठीक है, इसी बात को हम फॉर्मूला में फिर से समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या माने हैं, जो यहाँ माने वही मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि जो n है ना वो एक कंपोजिट नंबर है, देखिए क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, कंपोजिट ही को लिए, क्यों लिए, ये भी सवाल आपका होना चाहिए। कंपोजिट ही इसीलिए लिए क्योंकि आपसे कंपोजिट ही पूछेगा, कंपोजिट नंबर का ही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, क्योंकि प्राइम नंबर का सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, तो उसको, वो पागल नहीं है, उसको अगर ये चीज़ पूछना होगा प्राइम नंबर के बारे में तो वो कई और तरीका से घुमा के कान पकड़ेगा आपका ऐसा, ठीक है, कि ताकि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो, कंपोजिट नंबर वाला सीधा में ही दिक्कत है, ठीक है। तो हम n को माने कंपोजिट नंबर, n हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है,
समझिएगा, एक की क्या है भाज्य संख्या है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। पूरा बात आपको समझ में आएगा और आज के बाद दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। और जब हम n को प्राइम फैक्टर में तोड़े तब क्या लिखे हैं, तो मान लेते हैं कि n मेरा प्राइम फैक्टर में टूटा a b c d, ऐसे इसका प्राइम फैक्टर हुआ, ठीक है। और भी हो सकता है, बड़ा नंबर रहेगा तो उसका फैक्टर ज़्यादा होगा ना, तो इसीलिए डॉट डॉट लगा दिए। n को हम a b c d प्राइम फैक्टर में तोड़े, अब इनके ऊपर पावर भी आता है, जैसे कि हम इसको हम क्या 24 को हम क्या लिख दिए, 24 को हम लिखे थे ना अभी 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1, तो 2 और 3 क्या है a और b है, लेकिन इनका पावर में भी तो नंबर है, तो जो यहाँ पे पावर है ना a b c d के जो पावर में है ना, पावर में है, या इसका जो इंडिसेस है घात है वो मान लेते हैं p है q है r है और ऐसे ऐसे करके चलता गया। तो n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, लिखेंगे सर a का पावर p गुना b का पावर q गुना c का पावर r गुना d का पावर s, ऐसे और होगा तो और लिखेंगे, ठीक है। अब इनका निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ध्यान से, या डिविजर्स दोनों ही शब्द में आपसे पूछा जा सकता है, कुल गुणनखंड या कुल भाजकों की संख्या। अच्छा हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होना चाहिए, फैक्टर्स गुणनखंड डिविजर्स भाजक, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो अब यहाँ पे ना पावर से मतलब है, क्योंकि n n का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, a का पावर p इंटू b का पावर q इंटू c का पावर r इंटू d का पावर s, अगर और लंबा होगा तो और लंबा जाएगा, ठीक है। तो इनका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिविजर्स होगा वो होगा, देखो पावर में 1 जोड़ दीजिए, q पावर है 1 जोड़ दीजिए, r पावर है 1 जोड़ दीजिए, और सबका आपस में क्या है गुना है, s पावर है 1 जोड़ दीजिए, यही क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या, ठीक है। ये बात आपको समझ में आए, तो ये आपका एक प्रॉपर वे में हम सजा के बता दिए। अब यार इसको याद रखना जरूरी नहीं है, तरीका तो हम आपको बता ही दिए कि कोई भी नंबर का अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, और जैसे ही वो अभाज्य गुणनखंड में टूट जाएगा, अभाज्य गुणनखंड में उसको तोड़ देंगे, उसके बाद मतलब रह जाएगा उनके पावर से, इंडिसेस से, इनका घात से, पी क्यू आर एस से, ठीक है। तो सबके घात में एक 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 जोड़ देंगे और सबका आपस में गुना कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अब आते हैं सवाल पे, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। देखिए जब हम पूरा करके आए हैं ना तब हमको बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल करना जरूरी है, ठीक है। तो जो मेरा सवाल है वो सवाल सबके लिए ये रहेगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिविजर्स, ठीक है, कुल गुणन खंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है।
और इसके अंदर पहला नंबर है 24। तो भैया 24 का हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, 24 का हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो 24 को पहले ऐसा दो टुकड़ा में तोड़ना है ना जहाँ से प्राइम फैक्टर निकालना आसान हो जाए। तो 24 को तो कई तरीका से तोड़ सकते हैं, अभी हम आपको बताएं, लेकिन 24 को उसी तरीका से उन्हीं में से एक दिखा 3 × 8, और 3 × 8, 8 मतलब 2 का क्यूब, मतलब हम इसको तोड़ सकते हैं 2 का पावर 3 × 3 का पावर 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप में करेंगे क्या, दूसरा स्टेप में अब इनके पावर से मतलब है। तो भैया 2 का पावर 3, 3 में 1 जोड़ दिए 4, और 3 का पावर 1, 1 में 1 जोड़ दिए 2, और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 4 × 8 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर, ये काम करना है। 3 में 1 जोड़े 4, 1 में 1 जोड़े 2, तो 4 × 8, टोटल 8 फैक्टर है, दिखाएं भी आपको। दूसरा सवाल फिर से लेते हैं 72, ठीक है। ये सब हम क्यों ले रहे हैं बार बार, ताकि हम आपको पूरा कंसेप्ट समझा सकें, गहराई में जाके गोता लगवा सकें, ठीक है। तो 72 का भी 2 फैक्टर तोड़िए। देखिए एक बात मेरा समझ लीजिए, आपके पास अगर इनका फैक्टराइजेशन करने का इससे कोई बेहतर तरीका होगा तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और आप अगर इससे बेहतर होगा तो आप उसी मेथड से करिएगा, और थोड़ा मुझे भी बताइएगा, ठीक है। देखिए तो 72 को हम क्या लिखें, 8 × 72, 8 मतलब 2 का पावर 3, 9 मतलब 3 का पावर 2। तो भाई अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो अब नंबर रहे, अब मतलब रहेगा इनका इंडिसेस से, 2 और 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, ठीक है। तो भैया 2 का पावर 3 है, 1 बढ़ा देंगे 4 गुना 3 का पावर 2 है, 1 बढ़ा देंगे 3, और 4 तिहाई 12, टोटल क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। 4 तिहाई 12 क्या हो गया इसका टोटल फैक्टर हो गया, ठीक है, एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 12 फैक्टर हम इसका लिख के भी आपको बताएं, ठीक है, मतलब नोट्स बना के पढ़ाने में गजब का मजा आता है, रात भर दिन भर हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक हम आपको नोट्स बना के ही पढ़ाएं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से निकल जाता है, एक स्टेप जंप हो जाता है आदमी, वहीं पे छूट जाता है चीज़, ठीक है। वैसे अभी तक कुछ छूटा नहीं है, आपको डरना नहीं, इसमें यह चीज़ छूट रहा था, ठीक है, झारखंड के हिसाब से कह रहे हैं हम। अब देखिए थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं, तीसरा, ठीक है। जैसे कि अब कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, अब मेरे दिमाग में आया हम ले लिए 270 का कितना प्राइम, कितना 270 का के भाजकों की संख्या क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर क्या होगा, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो अब 270 को अब देखिए ध्यान से, अब इसको कई तरीका से तोड़ सकते हैं। तो भैया 270 में क्या आपको 27 × 10 नहीं दिख रहा है, 27 × 10 नहीं दिख रहा है, 270 को हम 27 × 10 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 270 को 27 × 10, 27 × 10 क्या लिख सकते हैं सर, 27 × 10। अब देखिए 27 तो सीधा हमको दिख रहा है 3 का पावर 3, और 10 जब इनको प्राइम नंबर में ही तोड़ना होगा। अब 27 और 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 27 और 10 हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 27 को हम क्या लिख देंगे, 3 का पावर 3 गुना 10 को 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, यही ना हुआ। अब चाहे तो आप इसको सजा के भी लिख लीजिए, परीक्षा में सही आंसर देने से मतलब है, ठीक है। तो चलिए एक बार सजा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1, सजाना जरूरी नहीं है, ठीक है, सजाने से आंसर बदल नहीं जाएगा, आंसर हमेशा वही आएगा। अब ये प्राइम नंबर में टूट गया, ठीक है। तो मेरे भाई प्राइम नंबर में टूट गया, तो अब इसका टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितना होगा। तो भैया 2 का पावर 1, अब पावर से मतलब है, 2 का पावर 1, तो इसमें 1 जोड़ दिए 2 हो गया गुना 3 का पावर 3 है, 3 में 1 पावर में 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 4 गुना 5 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए 2, कितना हो गया 4 × 8,
चार दूना आठ दूना 16 फैक्टर्स है टोटल। टोटल कितना फैक्टर है? 16 फैक्टर है, ठीक है, 16 फैक्टर है। आगे लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप लोग ना किसी इसी आपको अगर प्रैक्टिस करना है ना तो आप रेंडमली कोई भी नंबर सोच लीजिएगा और उसका टोटल फैक्टर निकालने का कोशिश करिएगा। कोई भी नंबर सोच लीजिएगा आप, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ बोलेंगे तब, आप कोई भी नंबर मन में सोच लीजिए और उसका फैक्टर निकालने का कोशिश करिए। जैसे कि चौथा मेरे दिमाग में अभी आया 570, 570 का है, 570 आया, ठीक है, मेरे दिमाग में आया 570। अब 570 जब जीरो रहे ना, तो अगर एक जीरो है मतलब गुना में 10 हो जाएगा, अगर दो जीरो है गुना में 100 हो जाएगा, अगर तीन जीरो है गुना में 1000 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ हमको दिखा 57 गुना 10, 57 गुना 10 570, और जैसे ही 57 दिखा मेरे दिमाग में आया 19 गुना 3, 19 गुना 3, 19 57, 3 भी प्राइम नंबर और 19 भी प्राइम नंबर, मामला क्लियर। मतलब हम 57 को तोड़े 3 गुना 19 में, और इसके गुना में 10 था और 10 को हम तोड़ दिए 2 गुना 5 में, यही ना हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भाई है। अब इसको सजा के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या जरूरत है, क्या मतलब है, आंसर वही आएगा। तो भाई 3 का पावर 1, 19 का पावर 1, 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, अब इनका टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितना होगा? तो सर 3 का पावर 1 में 1 जोड़े 2, 19 का पावर 1 में 1 जोड़े 2, 2 का पावर 1 में 1 जोड़े 2, 5 का पावर 1 में 1 जोड़े 2। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं ना, उसके बाद पावर पे आपका आंसर डिपेंड करेगा, ठीक है, पावर जितना है उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 1 है तो 2 हो गया, 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 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब कितना, टोटल 16 फैक्टर है इसका, टोटल 16 फैक्टर है। अब मेरे दिमाग में एक नंबर और आया 540, तो समझा रहे हैं आपको तरीका, ठीक है, 540 आया। अब 540 आया तो 540 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 गुना 10, 54 गुना 10, और 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 गुना 2, 27 गुना 2, 54 गुना 10, मतलब 2 गुना 5, यही ना हुआ, 27 मतलब 3 का पावर 3, और 2 गुना 2 मतलब 2 का पावर 4 गुना 5। सजा के हम सही ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, पहले 2 का पावर लिखना था, जरूरी नहीं है, आंसर इस ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अब आंसर डिपेंड करेगा इसके पावर पे, ठीक है। तो भाई 3 का पावर 3 है तो ये क्या है, नंबर ऑफ डिवीजर या नंबर ऑफ फैक्टर, ये भी क्या आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवीजर, ठीक है। तो 3 का पावर 3 है, 1 बढ़ा देंगे 4, 2 का पावर 4, 1 बढ़ा देंगे 5, 5 का पावर 1, 1 बढ़ा देंगे 2, तो 4 25 20, 2 ना 40, 540 के टोटल 40 फैक्टर हैं, 40 फैक्टर है, ठीक है। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए छठा में हम ले लिए 10,500, ठीक है। तो सबसे पहले 2 जीरो को अलग कर दीजिए, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, मेरा अप्रोच क्या होगा वो देखिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 105 गुना 100, 105 गुना 100। अब आप सबसे पहले 100 को देखिए, 100 को हम क्या लिखेंगे, 25 चौके 100, 25 गुना 4, 25 मतलब 5 का पावर 2 और 4 मतलब 2 का पावर 2, इतना तक। तो हम इसको क्या लिखें, 105 गुना 5 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2, यहाँ तक तोड़ दिए। जो भी मेथड आपके दिमाग में आएगा बस सही होना चाहिए, ठीक है, जिस भी मेथड से आप जल्दी कर पाते हैं उसी मेथड से आप आंसर करिएगा जल्दी से, ठीक है। तरीका क्या है आंसर देने का वो मायने रखता है, ठीक है।
अब देखिए 105 को हम क्या लिखेंगे भाई, 105 को हम क्या लिखेंगे, 105 को 15 सत्य पिछोतल से, 15 सत्य 105, और 15 को क्या लिखेंगे, 7 तो हमारा प्राइम नंबर है, 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 5, मतलब ये हो जाएगा 3 × 5, 15 × 7 गुना ये 5 का पावर 2 है, गुना 2 का पावर 2 है। अब जरा इसको सजा लो, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है, तो सबसे पहले लिखे 2 का पावर 2, ये तो एक ही खंड है, गुना 3 भी 3 का पावर 1 है, देखिए 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2 जब बेस सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 1 है। अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो भैया अब मतलब है पावर से, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, तो 2 का पावर 2 है, तो पावर 2 है, 1 बढ़ा दीजिए 3 गुना 3 का पावर 1 है, 1 जोड़ दीजिए 2, 5 का पावर 3 है, 3 में 1 जोड़िए 4, 7 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़िए 2, तो 3 × 6, 3 × 6 = 24 × 72, टोटल 72 फैक्टर हैं 10,500 के। मिस्टेक हो गया क्या कहीं पे? अच्छा 3 × 6 और 6 × 24 × 48, मिस्टेक हो गया भाई, तो 3 × 6 और 6 × 24 × 48 फैक्टर है, ठीक है, 48 फैक्टर है आपका 10,500 के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल यहाँ से आता है, ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, ठीक है, अगला सवाल, जैसे कि एक सवाल आया है, 4 था कि 5 था जो भी था, चलो हम यहाँ 6 नंबर लिख या 7 नंबर लिख देते हैं, ठीक है, नंबर से क्या मतलब है, पूछा कि 101 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो अब आपको सोचना चाहिए कि 101 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 101, तो इसका तो 2 ही फैक्टर होगा, एक 101 और दूसरा एक, एक तो एक होगा और 101 होगा, 2 ही फैक्टर होगा, तो इसके जाल में फंसिएगा मत, ठीक है, फंस सकते हैं जब कोई बड़ा नंबर दे देगा और वो नंबर प्राइम होगा, और सवाल में बस इतना सा बात लिख दे, पानी प्यास लग गया, और सवाल में बस इतना सा बात लिख दे कि इस नंबर के कितने कुल गुणनखंड होंगे, तो वहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो बच सकते हैं, अगर आप अगर प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हो वो भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है, 10 मिनट का क्लास में आपको वो भी हम बताएंगे कि प्राइम नंबर को ढूंढा कैसे जाता है। तो सबसे पहले आपको तो 1 से लेके 1000 तक में कितना प्राइम नंबर है, गला सूख गया, कौन कौन सा प्राइम नंबर है वो तो एक बार दिमाग में होना चाहिए, तो उसका लिस्ट हम आपको देंगे, लिख के टेलीग्राम पे डाल देंगे, उसको 2-4-6 बार देखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो 101 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका 2 ही प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 7 नंबर देखिए, जैसे कि हम एक नंबर लिखें 1008 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है, 1008, अब 1008 है ना, अरे कोई भी नंबर क्या दिक्कत है, ठीक है, अब 1008 को तोड़ना है, तो एक तो तरीका, जब जैसे जैसे नंबर बड़ा होते जाएगा ना आपका टेंशन भी बढ़ता जाएगा, सर 1008 है तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है, ठीक है, तो कहेंगे सर इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए, 2 से भागा दीजिए 1008 को, तो कहेंगे सर 2 × 5 = 10, 0 × 2 = 8, 504, फिर 2 से दीजिए, ऐसे ऐसे करते 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 देख लीजिए एक बार, 2 × 4 और 2 × 5 = 10 और 2 × 4, ठीक है, फिर 2 से देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 2 × 6 = 12, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे, उसके बाद 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 से 21 बार में,
अब ये फिर तीन से जाएगा, तीन से सात बार में, फिर ये सात से जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक आपका ये तरीका है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि देखिए, अगर आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं और लगाना ही चाहिए, समझिएगा बात को, तो यही मेथड आसान बन जाएगा। अब देखिए 1001 में आखिरी का तीन अंक 008 है, आखिरी का तीन अंक 008 है, मतलब आखिरी में सिर्फ 8 है। आखिरी के तीन अंकों में देखिए, इसका आखिरी का तीन अंक क्या है, 008 है, और ये 8 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर इस, जब कोई भी नंबर के आखिरी का तीन अंक 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। बोले हाँ सर है, तो अपना सीधा इसको 8 से भागा ही दे दो, 8 से भागा दे दो। तो जब इसको 8 से भागा देंगे तो क्या आएगा, तो सर इसको जब 8 से भागा देंगे तो आएगा 8 एकम 8, 2 20, 8 दूना 16 और 8 छक्के 48, 126 आएगा। और 126 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यही नंबर आ गया। 1008 को 8 से भागा दिए, कितना आया, 126। अब 126 में 8 को मल्टीप्लाई कर देना है फिर से ताकि ये दोनों नंबर बराबर हो जाए, तो भैया 8 गुना 126 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया, अब ये कितना आसान हो गया। तो 8 को हम क्या लिख देंगे, 2 का पावर 3 गुना 126, 126 है ना, अब आया 126। तो आप यहीं पे देखिए कि 126 में 2 तो एक बार और है, 2 एक बार और है, क्योंकि 126 को हम क्या लिखेंगे, 63 गुना 2। समझिएगा, हम एकदम आराम से बता रहे हैं, अगर आप इसको सीख जाइएगा तो बड़ा से बड़ा नंबर को इसी तरीके से तोड़ दीजिएगा। 1008 को हम 8 गुना 126 में ब्रेक कर लें, 8 को हम लिख दिए 2 का पावर 3। अब यहाँ दिख रहा है कि 126 हमारा इवन नंबर है, मतलब 2 तो है, तो हम 126 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 63। अब 63 को हम क्या लिख देंगे सर, 9 7 63 लिख सकते हैं ना। तो हम यहीं पे जैसे हम ये चीज़ सोचें कि हम एक, समझिएगा ध्यान से समझिएगा बात, बहुत लॉजिकल बात आपको बता रहे हैं, इधर उधर ट्रिक के चक्कर में रहोगे दोस्त धोखा खा जाओगे, कंसेप्ट रखो जीत के आओगे, ठीक है। तो जैसे ही 126 को हम तोड़ने का सोचे तो पहला तो हमको इसमें एक फैक्टर 2 दिखा, क्योंकि 126 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो हम 126 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 63 63 दूना 126। अब 2 तो हम तोड़ लिए, अब बचा 63, 63 को हम क्या लिखें, 9 7 63 9 7 9 और 7 क्यों लिए, क्योंकि 9 को 3 का पावर 3 और 7 खुद हमारा प्राइम नंबर है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 9 मतलब 3 का पावर 2 गुना 7, यही बात है। अब यहाँ है 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 1, तो हम इसको मिला के 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 7 का पावर 1 नहीं लिखेंगे, इससे जल्दी हो जाएगा, इससे ये जल्दी हो जाएगा। अगर आप इससे जल्दी इस तरीका से कर सकते हैं तो आप इसी मेथड से चलिएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन एक तरीका आपको बताएं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो अब हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यही निकालना है, ठीक है। तो भैया अब पावर से मतलब है, क्योंकि 1008 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए हैं, तो 2 का पावर 4 है, 1 बढ़ा देंगे, 4 में 1 बढ़ा दिए 5, 3 का पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दिए 3, गुना 7 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दिए 2, तो 5 किया ही 15 और 15 दूना 30, टोटल 30 फैक्टर है, टोटल 30 फैक्टर है आपका 1008 का, टोटल 30 फैक्टर है, टोटल 30 फैक्टर है 1008 का, ठीक है, बिल्कुल सही है, कहीं गलत होने का चांस आज नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप इस
मेथड को सीख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी से सीख जाइएगा। जैसे कि और नंबर लेते हैं, अभी हम एग्जांपल के लिए और नंबर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एक नंबर और लिए, कोई भी नंबर होगा, आठवां नंबर है, जैसे कि 18,522 का टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितना होगा। तो भाई अब इसको भी हम इस तरीका से कर सकते हैं, 18,522 को इस तरीका से कर सकते हैं, दो से भागा, फिर नीचे नीचे जा सकते हैं। लेकिन हम अभी इस मेथड को थोड़ा ड्रॉप करते हैं, अब जो हम आपको लॉजिक बताए उसी से। क्या 18,522 हमारा इवन नंबर है? बोले सर है, ठीक है। तो इसमें दो तो है, ठीक है, चार भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले हमको दो दिखा। तो क्या हम जब इसको दो से भागा देंगे तो ये दो नीमा 18, दो दूना चार, दो छके 12, दो एकम दो, मतलब 9261 बार में दो से चला जाएगा, और दो इसमें गुना लगा दीजिए, मतलब 9261 गुना दो 18,522 हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल। अब देखो इस तरीका, जब हम इस तरीका से इसको तोड़े ना तो बहुत सारा चीज़ निकल के आया, कि जब हम तोड़ रहे थे ना तो इस तरीका से बहुत आसानी से हो जा रहा था, क्योंकि ऐसे तोड़ने के बाद जब हम इसका दो फैक्टर में तोड़े, अब देखिए 9261 क्या है, तो सर 9261 आपको मालूम है कि 21 का क्यूब है, 21 का क्यूब है। अब देखो बहुत आसान हो गया, दो गुना 9261 क्या है, 21 का क्यूब है, क्या है, 21 का क्यूब है, मतलब 21 गुना 21। अब देखो दो तो हमारा प्राइम नंबर है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको तोड़ना होगा फिर से। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसको तीन बार लिखना होगा, इसको तीन बार लिखना होगा। देखो यहाँ पे हम आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं, ठीक है, 21 का पावर 3 है, तो ये 21 गुना 21 आएगा तीन बार। क्या हम इसको 21 को 3 गुना 7 में तोड़ सकते हैं और इसका पावर 3? बोले सर बिल्कुल। और घातांक करने का नियम है कि भैया अगर पावर एक ही है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर हम इस चादर को खोल देंगे तो ये कुछ और नहीं, 2 का पावर 1 गुना 3 के पावर में भी 3 होगा और 7 के पावर में भी 3 होगा। बोले सर बिल्कुल होगा, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर हो गया। जब प्राइम फैक्टर हो गया तो अब नंबर ऑफ डिवीजर निकालना है, ठीक है, ध्यान से, नंबर ऑफ डिवीजर निकालना है। तो अब हमें इनका इंडिसेस से मतलब है, इनके पावर से मतलब है। तो 2 का पावर 1 में 1 बढ़ा दिए, 2 हो गया, गुना 3 का पावर 3 में 1 जोड़ दिए, 4, गुना 7 का पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ दिए, 4, तो 4 चौके 16, 16 दूना 32, टोटल 32 फैक्टर होगा 18,522 के, टोटल 32 फैक्टर होगा 18,522 का। बात आपको समझ में आया, समझा पा रहे, एकदम ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि इसी एग्ज़ाम में आएगा, झारखंड सचिवालय में ही आएगा, भाई कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है, हो सकता है झारखंड दरोगा में हमसे पूछ दे, हो सकता है कोई और एग्ज़ाम ले उसमें हमसे पूछ दे, किसी भी एग्ज़ाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अब और सवाल पे हम लोग जाते हैं, अब हम लोग और सवाल पे जाते हैं। अच्छा एक सवाल और देख लीजिए आपके लिए, ठीक है, कितना नंबर होगा, अरे जो भी नंबर होगा यार चलना। देखो जैसे कि सवाल है, यही नंबर है, 10,800 का कितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो भाई 10,800 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 108 में 100 का गुना लगा देंगे, और 100 का गुना जब जब लगेगा तो 25 चौके 100, मतलब ये 5 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 में तो टूटेगा ही टूटेगा, यही नंबर है,
बोले ठीक है। अब 108, 108 है भैया, 108 में भी दो है, ठीक है, 108 में भी दो है, तोड़ने का तरीका बता रहे हैं। आप उसको ऐसे वाला भाग विधि से भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 108 है, तो सर 108 को कितना तरीका से तोड़ सकते हैं, तो 54 दूना 108 तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। अब 54 दूना, फिर 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 6 54, मतलब 108। देखिए मेरा कहने का मतलब है बाय एंड लार्ज आमतौर पर कि भैया आपको जो तरीका से जल्दी आप फैक्टर कर सके, बस प्राइम फैक्टर जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है। आपको ये मेथड अच्छा लग रहा होगा, इससे आप तोड़ दीजिएगा। आपको भाग विधि अच्छा लग रहा होगा, उससे आप तोड़ दीजिएगा, लेकिन जल्दी से जल्दी, ठीक है। मेन थीम यही है। तो 54 108 हमको दिखा 54 गुना 2, तो हम इसको लिख लिए 2 गुना 54 लिखना है, तो 54 को हम लिखेंगे 27 दूना 54, 27 दूना 54 लिखेंगे। 27 को हम क्या लिख देंगे, 3 का पावर 3 गुना 2, और ये हो गया 5 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2, यही होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 1 2, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, दो बार यहाँ, टोटल 4 बार 2 है, तो भैया ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। 3 3 ही बार है, 3 का पावर 3, ठीक है। 5 2 बार है, 5 का पावर 2, यही होगा, यही होगा। बोले सर यही होगा, बिल्कुल ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, सही है, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ डिवीजर चाहिए, नंबर ऑफ डिवीजर। यार इतना दिमाग खराब होता है ना, जब आदमी थोड़ा सा खाली रहेगा तो किसी का फ़ोन नहीं आएगा, और जब काम में रहेगा तो धाएँ धाएँ फ़ोन मैसेज बिना मत पूछ लेता हूँ, ठीक है। देखो नंबर ऑफ डिवीजर, तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 3 5 क्या है, प्राइम फैक्टर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, चलो हो गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ डिवीजर निकालना है, कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो अब घात से मतलब है, तो घात में एक बढ़ा के, एक बढ़ा देंगे, 4 है तो 5 लिख देंगे, 3 है तो 4 लिख देंगे, 2 है तो 3 लिख देंगे, और सबको आपस में गुना, 4 5 20 20 23 60, इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आपसे थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से रिज्यूम करते हैं, ठीक है।